हेलो फ्रेंड्स, होम कुकिंग एंड गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वेज चाउमिन बनाई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चाउमिन के लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे चाउमिन को पहले से उबाल ली हूँ। उबालने के बाद मैं इसे ठंडे पानी से वॉश कर दी हूँ। यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं, इसे इस तरह से मोटे पीस में काट ली हूँ। थोड़ा सा कैबेज, इसे पतले पतले काट ली हूँ। यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है, ग्रीन चिली को भी मैं इस तरह से बीच से काट ली हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली। यहाँ पे मैंने 3 से 4 क्लोव गार्लिक लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। और 1 इंच के करीब जिंजर, इसे भी छोटे पीस में काट ली हूँ। 1 गाजर को भी मैंने यहाँ पे पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। और यहाँ पे शिमला मिर्च को भी पतले में काट लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ली हूँ 1 पाउच मैजिक मैगी मसाला और 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 टी स्पून हल्दी। फ्रेंड्स, उसके अलावा हम यहाँ पे सॉस, सभी सॉस को एक कटोरी में ले लेंगे। मैं यहाँ पे लूँगी 1 टी स्पून टमाटो सॉस, ये दूसरा चम्मच, 2 टी स्पून मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिली सॉस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 टी स्पून लिया है। और यहाँ पे 1 टी स्पून सोया सॉस और 1 टी स्पून विनीगर। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन कर दी, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें हींग डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप तेल चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम तेल इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर और गार्लिक कटे हुए। कटे हुए ग्रीन चिली, और अब मैं इसमें डालूंगी कैबेज, कैरेट और शिमला मिर्च। इन सभी को मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें फ्रेंड्स कटे हुए प्याज डाल दूंगी। अगर आपको सब्जियों में क्रंच रखना है तो आप सब्जियों को कम पकाएं। अगर आप थोड़ा ज्यादा पकी हुई सब्जियां चाहते हैं तो इसे 2 मिनट के लिए और पका लें। सब्जियों को मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टी स्पून हल्दी, क्योंकि इंडियन कुकिंग बिना हल्दी के शुभ नहीं माने जाते। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, सब्जियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं जो कटोरी में सॉस मिला कर रखी थी वो सॉस मैं ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें मैगी मैजिक मसाला ऐड कर दूंगी। मैं इन सभी को अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बॉइल किया हुआ चाउमीन डाल दूंगी। और अब मैं चाउमीन के टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैं सारी सब्जियों को और चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और अब मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए ढक दूंगी। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है वेज चाउमीन। अब आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, बाय, थैंक यू।